हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हईते चतुर्मुख भगवान कृष्ण से वन्मुख ब्रह्मा हईते शिष्य बोली अंगीकार करे अक्ष वीर शिष्य जय तीर्थ नाम परिचय तरोदरे ज्ञान सिंधु तरे सहा वृत दयानिधि तरोदास विद्यानिधि राजेन्द्र हो कर जय धन परिचय परम्परा जनम जय धर्म दशे पुरुषोत्तम तहते तीर्थ सुरी दस तीर्थ तार दास लक्ष्मी मोति व्यास दास तहते माधवेन्द्रपुरी माधवेन्द्रपुरी वर शिष्य वर शिष्य नित्यानंद श्री अद्वैत ईश्वरपुरी के धन्य करिलन श्री चैतन्य जगद्गुरु गौरमाचार्य महाप्रभु में चैतन्य राधा कृष्ण नहि अन्य रूप विश्वंभर प्रियंकर शिष्य रूप दामो श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय मम जन रघुनाथ तारिप्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वरे नरोत्तम सेवा तारिपुर विश्वनाथ व्यास विश्वनाथ भक्त सत्वर देव जगन्नाथ तारिप्रिय श्री भक्ति विनोद महाभगवत वर श्री गौर किशोर हरि भजन तेजर मोद गौरवाणी प्रचार चरण शेष प्रिय महाजन वामन नारायण सब हरि जन गौरांगेर निज जन तादेर उचिष्टे मोरे परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा वृंदावन नीलांचलवासी जत महाप्रभुर्गण भूमि ते पुरिया बंदो सवार चरण नीलांचलवासी जत महाप्रभुर्गण गुरुदेश
दन्ते त्रिलिङ्गासं ब्रह्माण्ड तरि ते शक्ति धरे जान जाने वेद पुराणे गुण गाचे वसु महाप्रभु गण सब पतित पाई लोभे मोहि पापी लैनु शरण वंदना करी रे तमोदोषे मोहि दमात्रि मोरा भगा मनेरा उल्लास दोष क्षमि मो देवकी नंदन दास जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर श्री राम संकीर्तन की श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद गौरांग वोहिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोल गीते गुरु नई संसार वास नषय छिया कवि शुद्ध अभिमान कवि हम हीरव श्रीवृंदव हर रूप रघुनाथ पदे दिया कोटि कवि हम बुझब से उगल फिरे रूप रघुनाथ पदे रघु मोर रतन करई सदा रोतम जय सचिनंदन जय गौरवी राधे जय जय माधव राधे जय जय गोकुल तारुणी मंडल महिते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव विश्वान दामोदर रोति वर्धन वेश होरि सुत बिंदा विपि श्री राधे जय जय राधे जय जय राम कुरु मई कुरु न मोरिते सनक सनक वर्णित चरिते राधे जय जय माधव करुणं कुरुमयि करुणभरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय गुरु हरि बोल हरि बोल हरि बोल नहीं इधर जो जो हनुमान मंदिर के गेस्ट हाउस है दिखा ना ये अच्छा नहीं इधर जो हम लोग कल जो गए थे ना सामने पास ही हनुमान मंदिर है
उद्धार भी है। कहाँ पर वी वेंट देयर ना, आप हम लोग गए थे ना उधर, उसको आता है वो लोग हैं, मैं उसको बोल रही हूं दिव्य विचार से भगवत के लिए जो भाव उससे बात से बात आवाज से हम लोग आगे गए तो अपने समाज पूरी रही है એની સામે એક નારાયણ વાળી કરી દઈએ. ઓ ઈ બ્રહ્મ ક્ષત્રિય સમાજ વાળી નો હો છે હોલ. અચ્છા, એમ એટલે એમાં જે ને એક નાનો હોલ છે, આમ તો એન્ગેજમેન્ટ થાય ને કિચન મોટું છે, બાથરૂમ સંડા છે, તો બારે છે ને આપણે બાંધવું પડે. હા, ગ્રાઉન્ડ પર પ્રભુજી સેઇંગ ધેર પ્લેસ વી હેવ ટુ મેક અ ટેન્ટ. ઈ અમે જોઈ આવ્યા अपुन देख के आया ना नारायण बाड़ी करके, मैं आपको दिखाया ना गेट के पास जाके दिखाया था. वो तो खाली हॉल है, वहाँ पे मतलब वो नहीं है, गेस्ट हाउस है. ये सामने वाला जो लेफ्ट में है, गुरुदेव ने लाइन ले हमने जोई अभी है, यहाँ नजीक है नारायण बाड़ी. हाँ हाँ, बट उसमें वो कहाँ है, टेंट लगाना पड़ेगा ना, टेंट लगाना पड़ेगा, बाहर है ना. नहीं हॉट नहीं है तो भी बारिश आ गया कुछ आ गया तो प्रॉब्लम है. नहीं, हम लोग तो आते हैं इसमें दिसंबर में, ठंडी होगा. आप भी हम साथ आज सब नहीं, आपके फ्लाइट आज ही है, एक ही साथ में. अब कितने किलो ले जाते हैं? 15. आपके पास कितने किलो है? 25 किलो. ना ना नहीं है मेरे पास इतना, 15 आप जिस फ्लाइट में आए थे उसमें भी 15 है ना? आप किस फ्लाइट में आए? वो आपके उधर से आए अहमदाबाद. इंडिगो वाले तो 15 केजी हो गए. इंडिगो में 15 केजी है ना, यहाँ भी तो 15 किलो है. ये वो तो यार इंडिया में अच्छा है. 23 25 + 7 वो उधर के जाना चाहिए, चलो राजकोट होते ना, राजकोट 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 तो दूर है. हम लोग पिछले बार थोड़े प्रोग्राम से नहीं ऐसे चले गए राजकोट, राजकोट से फिर फ्लाइट लेके. चलो ओम अज्ञान राम रस्य ज्ञानान्यन सदापय चक्षुरंतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री गौरचंद्राय राधिकावै तदाले, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. वंशाकृत कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कृपा गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. कल हम लोग नवदीप धाम महात्म कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें वृंदावन धाम और नवदीप धाम को एक माना जाता है.
अभिन्न माना जाता है, है? किंतु नवदीप धाम की विशिष्ट हम का लोग श्रवण किया था, है? ये नवदीप धाम की कथा औदार्यमय धाम कहा जाता है, और वृंदावन धाम की कहा जाता है माधुर्यमय धाम कहा जाता है। ये औदार्यमय धाम यानी नवदीप धाम की कृपा से जीव नव वृंदावन धाम यानी माधुर्यमय धाम में प्रवेश कर सकते हैं, और वो माधुर्यमय वृंदावन की जो महत्व यानी उनके जो रसमाधुर्य आस्वादन करते हैं। सही वृंदावन धाम रसिराधार सही रस न पाए जार नहीं अधिकार, यद्यपि कृपा करी सही सही धाम नवद्वीप है हेता रस अधिकार जीवी उपजय। करें भक्तों ठाकुर करें, यद्यपि वृंदावन धाम का रस का आधार है तथापि जिसका अधिकार नहीं है वह उस रस को प्राप्त नहीं कर सकता। कृपा करी सही धाम नवद्वीप है, कृपा करके वही वृंदावन धाम ही जीव के हृदय में पहले नवद्वीप धाम के रूप में प्रकट होते हैं, और वही नवद्वीप धाम जीव को क्या करते हैं रस के अधिकार बना देते हैं। आप कहाँ से आए हो? पुणे से। हैं? अच्छा ब्रह्मा कुमारी, अच्छा बहुत अच्छी बात। अब नवद्वीप आई कभी नहीं? Have you been नवद्वीप धाम? मधुबन चार बार आके गई मैं। कहाँ पर? मधुबन माउंट आबू। माउंट आबू नहीं, नवद्वीप। नवद्वीप धाम। नवद्वीप करी ना, वो जगन्नाथपुरी है और इस नहीं वो नहीं करी। हाँ अच्छा। इसलिए कह रहे हैं कृपा करके वही वृंदावन धाम नवद्वीप के रूप में जीव के रसासाधन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। कल मैंने कहा था जब तक महाप्रभु की कृपा नहीं हो तब तक हम वृंदावन धाम के रस माधुर्य हम आस्वादन नहीं कर सकते हैं। एक मूर्ति राधा कृष्ण प्रभु गौर हरि सजी गर्भे नवद्वीपे हय अवतरी, रस अधिकार जीवे करे न प्रता प्रदान अपराध बाधा कबु नहीं पाए स्थान। इसलिए जीव के कृपा करने के लिए श्री राधा कृष्ण वृंदावन धाम सहित इस नवद्वीप में अपने मिलित स्वरूप गौरहरि के रूप में शची माता के गर्भ से आविर्भूत हुए हुए हैं। गौरहरि जीवों का और रस में अधिकार प्राप्त करने का ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं जिससे अपराध किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर पाते। बद्ध जीव के अनेक प्रकार के अपराध रहता है। अपराध शब्द का अर्थ क्या है? अपगत राध जस्मादिति अपराध। अपराध शब्द का अर्थ राध शब्द का अर्थ प्रीति, जैसे जिससे हमारी प्रीति हट जाती है चली जाती है उसके अपराध का। जैसे वैष्णव के प्रति प्रीति नहीं थी वैष्णव अपराध हो जाता है, नाम के प्रति प्रीति नहीं रहने पर नाम अपराध होता है। नाम में रुचि किस लिए नहीं होती है? अपराध होने के, नाम के प्रति अपराध होने से नाम में रुचि नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जी जीव को कृपा करने के लिए वही कृष्ण नवद्वीप धाम में राधा कृष्ण मिलित तनु के रूप में प्रकट हुए हैं, और चैतन्य महाप्रभु जीवों की रस अधिकार प्राप्त करने का ऐसा मार्ग प्रस्तुत करते हैं प्रशस्त कर देते हैं जिसमें अपराध किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर पाते। जैसे काल मैंने कहा था कितने प्रकार के अपराध होता है, नाम अपराध, धमा अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, ये समस्त अपराध महाप्रभु ने क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। गौर सुंदर के चरण में आश्रय लेने के साथ ही साथ गौर सुंदर क्या करते हैं? ये अपराध को नष्ट कर देते हैं। और विशेष करके नवद्वीप धाम में
वास करने पर है, तब वही नवदीप धाम कृपा करके ब्रज की वास की अधिकार हमें प्रदान करते हैं। हितावास करी नाम करी ले आश्रय, रस अधिकार जन में अपराध खय। नाम का आश्रय करके नवदीप धाम में वास करने से रस में अधिकार उत्पन्न होता है और सभी प्रकार के अपराध दूर हो जाते हैं, क्योंकि नवदीप धाम ऐसे एक अनुपम धाम कहा गया। अनुपम समझते हो, यूनिक एंड अनप्रलाल, नवदीप धाम के अनुपम धाम कहा जाता है। इसे वैशिष्ट क्या है, सारे अपराधिक भी वो स्थान दे देते हैं। कल मैंने कहा था ना, ये वृंदावन धाम में केवल सिद्ध महात्मा रह सकते हैं, है? जिनके हृदय में कोई पाप नहीं है, जिनके हृदय में कोई अपराध नहीं है, वह वृंदावन धाम उसके आश्रय देते हैं। यू कैन टेक शेल्टर वृंदावन धाम इफ योर हार्ट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस। नवद्वीप धाम क्या करते हैं, नवद्वीप धाम सबके आश्रय दे देते हैं। हृदय में यदि पाप भी रहे, अपराध भी रहे, अपराधी जनों की भी नवद्वीप धाम आश्रय देते हैं। और नवदीप धाम में रह करके भगवत नाम आदि करने पर अति अल्प समय में हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कहते हैं अल्प दिने कृष्ण प्रेम है तो उज्जवल, जुगल रसेर वार्ता है तो प्रबल। जी अल्प दिन में नवद्वीप में रह करके भजन करने पर अति अल्प दिन में चित्त निर्मल हो जाता है, और जुगल सेवा जनी राधा गोविंद की रस जाने की प्रबल लालसा उत्पन्न हो जाता है। एक जन्म भगवान की रस माधुर्य के जानने की तो लालसा हो, लालसा माने लोभ, लोभ तो हो, लोगों की पता ही नहीं है ये नवद्वीप धाम क्या है। आप जानते हो नवद्वीप धाम के बारे में? नहीं, पता ही नहीं। आप पुणे के रहने वाले हैं ना, बहुत अच्छी बात, मैं भी पुणे जा चुका हूँ कई बार है। तो ये नवद्वीप धाम एक अपूर्व धाम कहा जाता है, है? जिससे समस्त अपराधी को भी स्थान दे देते हैं, किंतु वृंदावन धाम नहीं देंगे। यदि कहो तो हम वृंदावन चले जाते हैं, है? वृंदावन जाती है, क्या करती है? भजन साधन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, किंतु वास्तव रूप में नवदीप वृंदावन धाम के ऊपर क्या रखते, एक माया के जाल रहता है, द नेट ऑफ माया, और जीव उसमें घूमता रहता है, सोचते हैं नवदीप धाम में रह रहा हूँ, ए वृंदावन धाम में रह रहा हूँ, किंतु वास्तव रूप में वृंदावन धाम में नहीं है, वो कहाँ पर है, माया के धाम में है। वृंदावन धाम तब अपने स्वरूप को प्रकाश करते हैं जब नवदीप धाम की कृपा हो। इसलिए काल में कहते हैं वृंदावन धाम में तो चोर भी रहते हैं, डकैत भी रहते हैं, जेब कतरे भी रहते हैं, गाय काटने भील भी रहता है, कसाई जो है, कसाई रहते हैं ना, सुकर कुकर भी रहते हैं, दुष्ट दुराचारी भी रहते हैं, और अपने के सब क्या बोलते हैं, मैं ब्रजवासी हूँ, किंतु ब्रजवासी किसको कहते हैं उन लोग के अभी तक पता नहीं है। वृंदावनवासी ब्रजवासी किसको कहते हैं, जो रूप सनातन के भाव में विभावित होकर के भजन में मत रहते उसकी कहा जाता है ब्रजवासी कहा जाता है। साधारण रूप में ब्रज के जो ब्रज में जो वास करते उसे ब्रजवासी कहते हैं। आप गुजरात में रहते हो गुजरातवासी कहा जाता है, बंगाल में रहते हो बंगाली कहा जाते हैं, बंगलावासी है, इंग्लैंड में रहते विदेशी कहते, विदेश में रहते विदेशी कहा जाते, जो जहाँ जहाँ पर करते, ब्राज़ील में रहते क्या बोलते हैं, ब्राज़ीलियन बोलते हैं, किंतु ब्रज में रहते इसलिए उसके ब्रजवासी कहते हैं। किंतु वास्तव रूप में ब्रजवासी कौन है, ये हमारे भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद बता रहे हैं, जो रूप सनातन की भाव में विभावित होकर के राधा गोविंद की सेवा आदि करते हैं उसी की कहा जाता है ब्रजवासी कहा जाता है। आसने
ही सत्य है, क्योंकि लोग जानते नहीं है। हम लोगों की क्या बोले, लाभ पूजा प्रतिष्ठा देने की कहते हैं, हाँ तुम ब्रजवासी हो, किंतु वो ब्रजवासी नहीं है, है? किंतु ब्रजवास कौन कर सकते, इसमें लिख रहे हैं ये इस प्रकार जीव गौरहरि के कृपा प्राप्त करके जुगल किशोर के रसपीट अशा लीलास्थली वृंदावन के जो है प्राप्त करता है, है? गुणदत्त है नहीं जा नहीं करो जारे तारे, गुणदत्त गुणदत्त नहीं कह जारे तारे, नवद्वीपे वृंदावने भेद होते नारे। यह बहुत ही गुण तत्व है, गोपनीय तत्व, वेरी कॉन्फिडेंशियल फिलोसफी। इसलिए इस तत्व का जिस किसी को भी उपदेश मत देना करें, क्यों? अनधिकार के लोग दो तो वो जो कुछ करे वो भी नहीं करेगा, और हो सकता है वो विरोधी बन जाए, है? अच्छी किसी को उपदेश दो, मूर्ख लोग के क्या होता है, वो विरोध बना जाता है। उपनिषद में एक कथा है, क्या है, एक समय जो है बरसात के समय था, है? और ठंडी भी था, बारिश हो रही थी, कुछ बंदरों जो है पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, हवा ठंडी हवा चल रहे हैं, भीग रहे हैं, तथापि वो बंदर सब एक तरीके बैठा हुआ था। उस पेड़ के ऊपर पेड़ के डाल में जो है एक पक्षी जो घोंसला बना के रखा, देखा है, एक प्रकार पक्षी होता है ना, ऐसे घोंसला बनाते हैं, बिल्कुल उसके पानी तो अंदर भी नहीं जाते हैं, उसके लटका रहता है, क्या पक्षी कहते उसको, जिस वो ज़्यादातर तार के पेड़ होता है ना, उसके जो है कट 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 करके वो बनाते रहते हैं, और इतने छोटा सा घोंसला होता है, उसके अंदर में अंडा देते हैं, बच्चा भी रखते हैं, हैं? वो भी देखो छोटे जो जुगनू होता है ना, उसको अंदर में रख देते हैं, वो लाइट देते हैं, जो थोड़ा गोबर रख देते हैं, गोबर के जो है जुगनू को वहीं पर बैठा, और जुगनू समय तो उसके पीछे जो है नीला नीला जो लाइट होता है, हैं? जिससे क्या कहते हैं, मॉस्किटो फायरफ्लाइज जैसे कहा जाए, अच्छा वो रहता है। अच्छा वो जो छोटा जो पक्षी है मानो उसके कहते हैं स्काईलार्क कहते हैं, छोटा पक्षी होता है इधर, है स्काईलार्क कहते हैं उसके, कहते हैं देखो वो बाहर आ गए, वो आकर के देखो बंदर कैसे मूर्ख है, है आम पक्षी जाती है, और इसको बांदर कहते हैं, बा नर, बा माने ऑलमोस्ट, नर माने मनुष्य, ये लोग ऑलमोस्ट मनुष्य है, बंदर और मनुष्य में क्या अंतर नहीं है, केवल उनके पूछे हैं, हम लोग के पूछे नहीं है, है? और उसके सभी एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, इसको कम बुद्धिमान है और मनुष्य ज़्यादा बुद्धिमान है, इसलिए कोई कोई कहते हैं जी बंदर अथवा शिल्पंजी के बाद ही जो है मनुष्य है, जैसे डार्विन की थ्योरी कहा जाता है, है? यद्यपि ये थ्योरी सर्वतोर रूप में स्वीकार्य नहीं है, समझ में? डार्विन क्या कहते हैं जो हमारे पूर्वजों कौन थे, शिल्पंजी बा बंदर था, है बंदर से ही हम देखने में एक ही जैसे, उनके हाथ पैर हैं उनके सब, है? फिर बंदर से डेवलप होकर के मनुष्य हो, किंतु ये विचार ठीक नहीं है, भागवत में नहीं कर रहे हैं, है? तो मानव पक्षी कहने लगे देखिए बानर है, बा नर, बा माने ऑलमोस्ट, नर माने मनुष्य, है? किंतु इतने मनुष्य के भांति होते हुए पर भी ये देखो कैसे निर्बुद्धि है, बुद्धि कम है, लेस इंटेलिजेंट, है? कैसे ना, इतने बारिश में भीग रहा है, ठंडी है, देखो पेड़ के नीचे बैठा हुआ, अरे कम से कम निकट में तो किसी के घर है, वहाँ पर तो शेल्टर हो जाते, ये भी बुद्धि नहीं, अरे कम से कम थोड़ा कुछ तो बना लेते, बंदर घर बनाते हैं नहीं बनाते, है? बंदर बिल्कुल जो है बाबा जी है, है? कुछ नहीं करते ना, भोजन के सामग्री संचय करके रखते हैं,
ना कुछ करते हैं, बस जो आया खाया बस चले गए। रमता जोगी बहता पानी है, ये बैरागी है, ये बैरागी है, मरकट बैरागी कहा जाता है। अच्छा मरकट माने बंदर। तो वो कहते हैं अरे कम से कम है एक तो घोंसला बना लेते, जैसे हम घोंसला बना लिया है, ऐसे कम से कम तो है एक मकान बना लेते, कुछ कर लेते, बाद दूसरे के घर में जाकर के जहाँ पर है वहीं पर है शेल्टर हो, जहाँ पर आश्रय कर लेते। किंतु ये नहीं करके देखो, पानी में भीग रहे हैं और पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उपदेश देने लगे। कौन उपदेश दिया? उसका इलाज छोटा बहुत। तो बंदर क्या हो गया? गुस्सा आ गया, बोले तुम छोटा होकर के हमें उपदेश दे रो है। कोई कोई लोग होता है ना अपने के बहुत अभिमान मानते हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। छोटे कोई यदि उसके उपदेश दे, अच्छी कथा बोले, उसके गुस्सा आ जाता है, पता है कि नहीं होता है, गुस्सा हो जाता है। तो वो बंदर ने किया कि जाकर के वो स्काइलर के छोटा पक्षी है ना, उनके घोंसले के हाथ से तोड़ करके बस नष्ट कर दिया। इसलिए शास्त्र में कहते हैं ये मूर्ख के जो है, अनधिकार के लोग को जो है उपदेश देना नहीं चाहिए, उल्टा फल हो जाए। उपदेश उसके दो जो उपदेश पालन कर सकते हैं, जहाँ चाहो जहाँ तहाँ उपदेश दो तो फल कुछ नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं भक्तिमान ठाकुर, कह रहे हैं जीव गोस्वामी पाद के प्रति नित्यानंद प्रभु का आदेश क्या बोल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं गुड़ तत्व ही नहीं कह जा रे तारे, नवदेव वृंदावन भेद होते नारे। कई गुरु तत्व है गोपनीय तत्व है, वृंदावन और नवदेव में कोई भेद नहीं हो सकता है। तुम्हारा आश्रय एवे रसपीठ है, अते वृंदावन कर आश्रय। प्रेमदत्ता शिरोमणि नित्यानंद प्रभु द्वारा जीव गोस्वामी पाद को ब्रजवास का प्रदान है, नवदीप धाम की कृपा प्राप्त करने पर जीव ब्रजवास का अधिकार प्राप्त करते हैं। पहले कहाँ जाना चाहिए? नवदीप धाम। नवदीप धाम में वास करो तब तुम्हें वृंदावन धाम अधिकार मिलेगा, वृंदावन वास का अधिकार मिलेगा। इसलिए मैंने कहा अधिकांश हमारे गोस्वामी लोग जो है वह सभी लोग वृंदावन में नवदीप धाम में भजन किया, फिर नवदीप से वृंदावन धाम पधारे। यही धाम है वृंदावन है तो उदय, तब ब्रजधाम तब हो काश्रय। नित्यानंद प्रभु कहने लगे यद्यपि इसी नवदीप धाम में वृंदावन प्रकाशित होते हैं, तथापि अब तुम राधा कृष्ण लीला स्थली वृंदावन का आश्रय करने के अधिकारी हो, अतएव अब ब्रजधाम की तुम्हारा आश्रय हो है। किंतु नवदीप धाम ही सब वृंदावन धाम है, हम लोग जाते हैं नवदीप धाम परिक्रमा करते हैं, वहीं पर राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गिरिराज गोवर्धन है, यमुना है, सब कुछ है, किंतु तथापि वृंदावन धाम को आश्रय करना पड़ेगा। ब्रजरस अधिकारी नवद्वीप आश्रय, जीवे रे कर्तव्य सदा वल्लभ तनय। हे वल्लभ तनय जीव, मनुष्य का कर्तव्य है कि ब्रज में अधिकार प्राप्त करने के लिए पहले नवद्वीप धाम का आश्रय ग्रहण करे। आराधितो नवन वृंदावनस्ते, नाराधितो नवन वृंदावन एव दूरी। जो नवदीप धाम के आश्रय करते हैं वो वृंदावन धाम के अति सहज रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं ब्रजवास ब्रजराज प्राप्त स्थले वृंदावन वास, जीवी तथा आय हो रसेर उल्लास। देखो ब्रजरस प्राप्त करने पर वृंदावन धाम में वास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जीवों की रस में उल्लासमयी प्राप्ति होती है। उल्लासमयी का क्या होता है? जिस वस्तु के आस्वादन करके हृदय में है अत्यंत आनंद होता है उसके रस है उल्लासमयी का। जैसे आपने रसगुल्ला खाई है, काली जन काल क्या क्या खाया था? गुलाब जाम
है, और खाने से क्या होता है, हृदय में आनंद उल्लास होता है, उल्लास समझते हो, उल्लास किसको कहा जाता है, जिस वस्तु के अनुभव करके बार देख करके हृदय में ऐसे एक अनिर्वचनीय आनंद होता है उसके उल्लास कहा जाता है, ऐसा जैसे रसगुल्ला कैसे था, आहा बहुत है, प्रभु सिद्धांत सुने जीव महाशय परम आनंदे प्रभुर चरण धरय चरण धरिया बोले कथा एक हार आचे मोर सुन प्रभु सर्व था सर्वसा उत्सार नित्यानंद प्रभु के मुख से इस प्रकार गुड़ सिद्धांत के सुनकर श्रीजीव गोस्वामी आनंद पूर्वक उसके चरण कमल को धारण करके कहा सार वस्तु की भी सार जाने भी हे प्रभु मेरा एक प्रश्न है, क्या प्रश्न कर रहे सुनो जीव गोस्वामी प्रश्न, यही नवद्धि वास करे बहुजन सभी कहना कृष्ण भक्ति ना करे अर्जुन, मैंने कहा ये नवद्वि धाम वास करने पर सब अपराध नष्ट हो जाता है और जीव ब्रजवास की अधिकार प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर कार्य हैं नवद्वीप में तो बहुत लोग रह रहे हैं, हम नवद्वीप जाते हैं तो सब कृष्ण भक्ति क्यों नहीं करते, जब भी नवद्वीप में तो बहुत से लोग वास करते हैं तब भी सभी लोगों की भक्ति क्यों नहीं रहते, मेरे मन में ये दुर्बुद्ध संशय उत्पन्न हुआ है कि धाम में विशेषतः नवद्वीप धाम की वास करने पर भी अपराध कैसे रह सकते हैं, मैंने तो कह दिया पहले कहा गया जी नवद्वीप धाम जाने बाद नवद्वीप धाम में रहने से अपराध नष्ट हो जाता है, तथापि ये लोग नवद्वीप धाम में तो रह रहे हैं, तो नवद्वीप धाम में रह करके इन लोग की हृदय में रस माधुर्य क्यों आस्वादन क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा इसके लिए हमारे जीव गोस्वामी पाद एक उदाहरण देते हैं, गंगा में पहले कौन स्नान करता है, रात है 2 बजे 3 बजे कौन स्नान करते हैं गंगा में, गंगा स्नान किया आपने, गंगा स्नान नहीं किया, गंगा में सबसे पहले कौन स्नान करता है, भिखारी लोग, भिखारी तो ठंड, क्या बोले विकार विकार भिखारी लोग, भिखारी लोग क्या, गंगा में पहले कौन स्नान करते, देखो मछुआरा फिशरमैन मछली पकड़ता है ना वो, है नदी में मछली पकड़ने के लिए बा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आप देखा ना जगन्नाथपुरी प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने के पहले है वो पानी में कूद जाते हैं, है आए ना वो सारा रात ये जाल जाल रखते हैं, फिर उसमें मछली अंदर में आ जाता है, इसलिए प्रातः काल में वो क्या करते हैं गंगा गंगा में डुबकी लगाते हैं मछली को पकड़ता है, आया समझे, तो गंगा स्नान के सब पाप नष्ट हो जाता है, और वो पाप क्यों करता है, मछली को पकड़ना पाप है कि नहीं, मछली पकड़ना मछली को मारना प्राणी हत्या महापाप कहा जाता नहीं, दूसरे के हत्या करना पाप है कि नहीं है, तो मछली को काटना मारना उनके कष्ट देना पाप है कि नहीं है, तो गंगा में पहले को स्नान करता है मछुआरा, और वो पाप क्यों करते हैं, शास्त्र में लिखा है गंगा में स्नान करते पाप नष्ट हो जाता है, तो गंगा में स्नान करते हैं और पाप कैसे करते हो, आप ये बताओ है? ये प्रश्न होता है कि नहीं है? ये गंगा की जल स्पर्श करने पर सारे पाप नष्ट हो जाता है, और उसके पाप वृत्ति कैसे हो रहा है जो मछुआरा को फिशरमैन का है? इसके उत्तर बाद में देंगे, अभी सुनो, किसे तबे निश्चित होई बे विष्णुजन बोलो प्रभु विश्वधाम नित्य निरंजन, फिर विष्णुजन अर्थात वैष्णव लोग कैसे निश्चिंत होवे होंगे, यह विश्वधाम है हे नित्य निरंजन कृपया समाधान बताइए, हे निवाय निदाई जन्नवा पद छाया आस जार
भक्त से भक्ति विनोद करी अकिंचन चार नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी की चरण कमल की सुशीतल छाया के प्राप्त करने की आशा से ये दिनहीन अकिंचन भक्ति विनोद द्वारा ब्रजधाम के महात्म का गान किया जा रहा है। अभी सुनो, जीव गोस्वामी पाद के ऐसे प्रश्नों के सुनकर नित्यानंद प्रभु ने वैष्णव सभा में निगुड़ तत्व का उपदेश दिया। प्रश्न याद है, प्रश्न क्या बोले? ये नवदीप धाम में लोग रह करके क्यों पाप करते हैं और उनके हृदय में कृष्ण भक्ति क्यों नहीं होते है? क्योंकि नित्यानंद पहली कहते हैं नवदीप धाम में रहने पर समस्त पाप नष्ट हो जाता है, और ये लोग नवदीप धाम में रह करके पाप कर्ज क्यों करते हैं, कृष्ण भक्ति क्यों नहीं करते हैं? सुनो जी, वृंदावन नवद्वीप धाम अजस्र आनंदमय जीवेर विश्राम। हे जीव सुनो, असीम आनंदमय वृंदावन और नवद्वीप धाम का विश्राम स्थल है। शुद्ध जीव गण यह प्रकृतिर पार सदा वास करे हेता कृष्ण परिवार। शुद्ध जीव सदैव जड़ प्रकृति के उस पार श्री कृष्ण के परिकरों के स्वरूप में वास करते हैं। कहते हैं ये जो धाम जो कह रहे हैं ये धाम अपराकित है, ट्रांसेंडेंटल है। जीव जब तक अनर्थ में भरा रहता है तो धाम को अनुभव कर नहीं पाते हैं। इसलिए कह रहे हैं शुद्ध जीव सदा, शुद्ध जो जीव जो है माने मुक्त जीव जो है वो ये जड़ा प्रकृति से ऊपर कहा जाता है। अरे वही तो कहते हैं धाम के ऊपर क्या है, जाल है, माया जाल, उसके ऊपर दे। ये भागवान कुछ नहीं धाम पे जन्म पे चे तो भागवान नहीं, भागवान नहीं क्या करें? नहीं बोलो, what is the fortune? Sometimes people say like I listen, oh वो ब्रजवासी है, कितना भाग्यवान है। वो तो लोग दूसरे के क्या बोले प्रतिष्ठा देने के लिए कह देते हैं। अभी तो इतने समय तक कहते हैं ब्रज धाम के ऊपर एक नेट के जाल था, माया जाल रहता है, उसके ऊपर रहते हैं। कुछ फर्क नहीं है, क्या होता है? कुछ नहीं है। विदेशी में क्या होता है? आप कोई विदेश में रह कर, ब्राजील में रह कर आप भजन कर रहे हैं, आप ब्रजवासी हो, और धाम में रह कर जो गाय काट रहे हैं, गोमांस खा रहे हैं, और वो ब्रजवासी कैसे हो जाएगा? चोरी कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं धाम के ऊपर एक माया के जाल है, हम इसलिए उसके आदर करते हैं। जे उनकी यदि वो अपराध के छोड़ करके भगवत भजन करे अति जल्दी ही वो धाम के स्वरूप के दर्शन करेंगे, और एक दूर से रह रहे हैं भजन कर रहे हैं उसके लिए फिर आना पड़ेगा है। हम ये बेड के ऊपर ये चादर है ना, ये मानो एक जाल है माया के जाल, इसके नीचे क्या है? मैट्रेस है। यदि अति सहज रूप में मैं इसको जो है उठा करके मैं मैट्रेस में आ जाता है, तो उसी प्रकार यही उदाहरण देते जा रहे हैं। धाम के ऊपर जाल बिछा हुआ है, उसमें उड़ा रहे हैं ब्रजवासी। इसलिए कहते हैं बार बार इसको समझो, ब्रजवासी किसको कहा जाता है? ब्रज में रहने पर ब्रजवासी नहीं होता है, ब्रज की भाव लेकर के कोई भजन करें उसके ब्रजवासी कहा जाता है। ब्रज के भाव ही नहीं है ना, ब्रज के संबंधी कुछ के ज्ञान है, कैसे होगा? इसलिए और दूसरी क्या होता है ब्रज में करके, संत महात्मा के समागम हो है। धाम में जन्म ले से हमें अति सहज रूप में संत महात्मा की संग प्राप्त हो जाता है। ब्राइल में रह रहे हो, कोई राधा कृष्ण बोलते हैं? कोई बोलता ही नहीं है, है? किंतु ब्रज में जो रह रहे हैं कम से कम तो राधा कृष्ण के नाम तो सुना ही पड़ता है, भले ही माया के जाल पर रह रहे हैं।
हाँ समझे हम उसके ये देते हैं क्या बोले प्रतिष्ठा देते हैं ये तुम अपॉर्चुनिटी तुम जो है वेरी फॉर्चून यू आर गुड फॉर्चून किंतु वास्तव नहीं है यदि भजन नहीं करे तो गुड फॉर्चून कैसे हो जाए जो गाय करते ब्रज में लोग रहते हैं गाय काटते हैं है वहीं पर भी स्लॉटर हाउस है आजकल जब भी बंद कर दिया सब चोरी करके गाय काटता रहता है मुसलमान लोग काटते कि नहीं काटता है मुसलमान पट्टी है वहाँ पर तो गाय खाता है कि नहीं खाता तो फिर वो तो भी कहते हैं मैं ब्रजवासी हूँ है वो भी तो कहते हैं अल्लाह अकबर वो भगवान के मानते ही नहीं है तो उसके ब्रजवासी कैसे कहते हो भले आप ब्राज़ील में रह करके भगवान के नाम करते हो तो उससे आप श्रेष्ठ है कि नहीं है इस दृष्टि से आप श्रेष्ठ है क्यों आप रह करके कहीं भी रह करके भजन कर रहे हैं They are listening Radha Krishna Nam. Anyhow, they are listening or not. But if you stay in Brazil, very difficult, you cannot listen in Radha Krishna Nam. Eh? So for this regard, we give respect to them. Even the meat eater, cow eater, क्या बोलते हैं? गो बध करने वाले तथापि तो भगवान के नाम सुना ही पड़ता है उनको इसलिए उनको रेस्पेक्ट देते हैं कि ब्रजवासी किसको कहते हैं उसको हम समझना चाहिए ब्रज की भावना होनी चाहिए जैसे रूप सनातन है वो ब्रजवासी है इसलिए भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद कहते हैं रूप सनातन के भाव में रह करके जो भजन साधन आदि करते हैं उसके ब्रजवासी कहा जाता है बहुत ब्रजवासी भगवान के नाम ही नहीं लेते काली शिव दुर्गा जी पूजा आदि करते रहते हैं नव दुर्गा आने वाले हैं ना है उनकी पूजा करते हैं राधा कृष्ण की पूजा ही नहीं करते करते हैं नहीं करते नाम तो रहता है घर में है सब रख देते हैं लड्डू गोपाल भी रख देते हैं देवी काली सूरत सबको खिचड़ी बना करके रखते हैं ना किसके विषय ब्रजवासी किसको कहते हैं एकांतिक निष्ठा होनी चाहिए है गोविंद दामो धरमाधवेती गोविंद दामो धरमाधवेती गोविंद दामो धरमाधवेती हे कृष्ण हे जादव हे सखेती गोविंद दामो धरमाधवेती ब्रजवासी उसे कहते हैं जो सदा सर्वदा कृष्ण नाम गोविंद नाम में डूबे रहते हैं उनके और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है राधा कृष्ण के छोड़कर कुछ नहीं दिखाई उसके तो ब्रजवासी कहते हैं आ समझे जो अनेकों देव देवी के राख करके पूजा करते वो थोड़ी ब्रजवासी है हम इसलिए उनके रेस्पेक्ट करते हैं कम से कम तो है तो धाम में तो रह रहे किंतु धाम में नहीं रह रहे वो धाम की ऊपर जो है जाल जो उसके ऊपर रह रहे जाल के ऊपर रह रहे जय श्री राधे है आ समझे कम से कम जय श्री कृष्ण बोले ब्राजील में कई कहेंगे क्या बोलते हैं ब्राजील में जय श्री राधे बोलते हैं हाँ ओए हैं मुई तो बोम बस चल इधर तो कम से कम राधा कृष्ण जय श्री कृष्ण तो नाम कान में सुना ही पड़ा कि नहीं ये रानी की फैल होता है हाँ किंतु वो ब्रजवासी नहीं है वो ब्रजवासी नहीं ब्रजवासी वो नहीं है वो अपने को कहते हैं ब्रजवासी हम भी उसको कहते हैं हाँ तू ब्रजवासी है मूर्ख के पंडित कहो वो प्रसन्न हो जाते हैं ये मूर्ख को हाँ तुम पंडित हो वो अच्छा रहेगा उसको है मूर्ख तुम मूर्ख हो वो गुस्सा हो जाएगा है
उसके जो ब्रज में रह रहे हैं उसके तुम ब्रजवासी वो गुस्सा हो जाएगा नहीं हो जाए है, इसलिए उसके हाँ तुम ब्रजवासी, किंतु वास्तव ब्रजवासी नहीं है आज में। इसलिए कह रहे हैं यह धाम नित्य शुद्ध चिन्मय, यहाँ पर जोड़ी और देश काल का कोई प्रभाव नहीं है। यही धाम देश काल चिदानंदमय जड़ धर्म विपर्जय सदा लक्ष्य है। इस धाम में भूमि काल और अन्य सभी वस्तुएं चिदानंदमय, यहाँ पर सदैव चिद धर्म दिखा जाता है। गृहधारण नदी कारण चक्कर चिन्मय सकल ज्ञान अति मनोहर, यहाँ के घर नदी झरने वन लीला भूमि इत्यादि सभी चिन्मय वो परम मनोहर है। धाम के सब मनोहर दिखाई नहीं पड़ते। चिंतामणि प्रकट सदमसुकल्प वृक्ष लक्षावृत स्वरूपालयंतम लक्ष्मी सहस संभ्रम शिवमान गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजान, ब्रह्म समिति का है वो धाम जो है चिदानंदमय धाम, किंतु उसके न अनुभव है न कुछ है। यही आनंदमय धाम प्रकृति से परे है, सहित आनंद धाम प्रकृति पार चिन्मय कृष्ण शक्ति परम उद्धार। यही आनंदमय धाम प्रकृति से परे है, यहाँ श्री कृष्ण की जो शक्ति कार्य करती है वह अचिंत और परम उदार है। जीवेर उद्धार करने सही शक्ति क्रमे धाम हिता अवतार जीवेर निस्तार जन्न कृष्ण इच्छासार, जीवे उद्धार करने के लिए कृष्ण की इच्छा की जानकर ही वो अचिंत शक्ति इस धाम को उस जगत में प्रकाशित करते हैं। नित्य गोलोक वृंदावन जो धाम है वो चिन्मय धाम, भगवान जब आते हैं ना अपने चिन्मय धाम को लेकर के आते हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद सिंह धाम सहवदे, धाम और परिकर के लेकर के आते हैं। हाँ समझे, यही तो विशेष है। अनुग्रह भक्तानांग मानुष देमाश्रितम भजते तादृश जासुत्वा तत्परो भवित, भगवान क्या करते हैं ना जब आते हैं ना वो चिन्मय धाम को यहाँ पर लेकर के आते हैं, भर जाते हैं उसको लेकर के चले जाते हैं है। इसलिए तीन धाम के तीन प्रकार स्वरूप माना गया। एक दृश्यमान प्रकाश जो हम देख रहे स्थान को देख रहे राधा कुंड स्वयं कुंड है, ये क्या है ये चिन्मय, किंतु हमारे पास प्रकाशित नहीं कर रहे वो ढका हुआ है। इसलिए स्वामी महाराज कहते हैं राधा कुंड में स्नान हो रहे कि नरथ कुंड में स्नान हो रहे है, उन्होंने ये शब्द बताया राधा कुंड में स्नान होता हो रहा है कि नरक कुंड में तुम्हें स्नान हो रहा है। तब होता है राधा जी की कृपा हो जाए तब वो चिन्मय अपराकित वो राधा कुंड के दर्शन करेंगे। अब इसको पहले आपको इस संस्कार बनाना पड़ेगा है। आपने बहुत बार सुना ना ये ब्रजवासी है ब्रज, किंतु ब्रज किसको कहते हैं वो जानते नहीं, यही गुरु तत्व है। आप अफ्रीका में रह करके यदि भजन कर रहे हैं वो वृंदावन, इसलिए जई खाने वैष्णव गण सही खाने वृंदावन, जहाँ पर शुद्ध वैष्णव रहते हैं वही वृंदावन है। क्यों न शुद्ध वैष्णव जो है भगवत कथा के द्वारा वृंदावन धाम को प्रकट करा देते हैं, क्या बोला है। इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कह रहे हैं मैं अमेरिका में नहीं हूँ, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के एक लेख क्या बोले एक प्रवचन मैं सुन रहा था है, उन्होंने कह रहे हैं ये तुम लोग देख रहे हो, विदेशी लोग कह रहे हैं ये तुम लोग देख रहे हो यू आर लुकिंग आई एम स्टेइंग हेयर बट आई एम नॉट स्टेइंग इन अमेरिका और आई एम स्टेइंग इन वृंदावन। जड़ शरीर के आप देख रहे हो इसलिए सोच रहे जी हम यहाँ पर हैं है, किंतु वास्तव में मैं कहाँ रहता हूँ वृंदावन। शुद्ध भक्त जो भगवत कथा आदि के द्वारा उसको धाम को प्रकट करा देते हैं, यही तो विशेषता है। स्थूल व्यक्ति स्थूल विचार व्यक्ति के लिए ये सब कहते हैं तुम ब्रजवासी हो ये ब्रजधाम है। इसलिए जहाँ पर गुरु वैष्णव भगवान गुरु वैष्णव रहते हैं
जहाँ पर हरि कथा होती है वही वृंदावन धाम है। आज इसलिए कहते हैं गौरंग महाप्रभु के दास भाव से भजन करते करते जब दास भाव परिपक्व हो जाता है तब जीव के हृदय में मधुर रस मूर्तिमान स्वरूप में प्रकाशित होता है। उस समय भजनीय तत्व श्री गौरहरि राधा कृष्ण के रूप में ब्रज में अवतरित होते हैं और भक्त के नित्य लीला के रस में डूब देते हैं। तब जीव राधा कृष्ण लीला भूमि ब्रज को प्राप्त करते हैं। नवद्वीपे ब्रज जयी निगुड़ संबंध एक हुई एक है दुई है नहीं देखे अन्न नहीं देखे अंध। परमार्थ के विषय में अंधे व्यक्ति के नवद्वीप और ब्रज के निगुड़ संबंध में अर्थात एक होने पर भी दो रूप में कैसे प्रकाशित होते हैं और नहीं देख पाते हैं। सही तो संबंध गौरे कृष्ण जानो मसार मधुर रस तो गौर जुगल आकार। हे जीव जीव गोस्वामी सुनो श्री कृष्ण और गौर में भी ऐसा ही संबंध है अर्थात एक होकर भी दो रूप में प्रकाशित होते हैं। गौर हरि ही मधुर रस में जुगल किशोर राधा कृष्ण के रूप में आविर्भूत होते हैं। अतएव तत्तरी रूप सनातन जनाइए अल्प दिने वल्लभ नंदन। हे वल्लभ नंदन थोड़ी दिन में तुम्हें रूप और सनातन इस सभी तत्वों के विषय में बतलाएंगे। नित्यानंद बुद्धराज जीव के शीघ्र वृंदावन में है। इसलिए क्या समझना चाहिए वृंदावन धाम और नवद्वीप नदी चिन्मय धाम है इसके अनुभव करना है। दोनों में कोई अंतर नहीं है एक ही धाम है। तथापि नवद्वीप धाम के एक विशेष वैशिष्ट्य में बता रहा था क्या नवद्वीप धाम में रहने पर सारी अपराध नष्ट हो जाता है। कल कहा था वृंदावन धाम जो है कौन रहता है सिद्ध महात्मा रहते हैं और नवद्वीप धाम में दो रहता है एक सिद्ध महात्मा तो है ही है और अपराधी को भी नवद्वीप धाम आस्था दे शान दे देते हैं। ये विषय वैशिष्ट अधिकार है। देखो ब्रह्मा जी अपराध किया कि नहीं किया है कृष्ण के बछड़ा और सखाओं को चोरी किया अपराध हो गया। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपराध दूर करने के लिए कहाँ गए नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम में जाकर के बहुत साल तक तपस्या आदि की है और तपस्या करने के बाद स्वयं कृष्ण प्रकट हुए। स्वयं कृष्ण कहने लगे मैं तुम्हारी तपस्या में संतुष्ट हो गया वर मांगो है वर मांगो है। उस समय ब्रह्मा जी ने क्या कहा प्रभु आप मेरे ऊपर संतुष्ट हो गए आप सेवा प्रदान करें। सेवा के द्वारा ही सब अपराध नष्ट हो जाता है, है? सेवा करने पर क्या हो जाता है सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे सेवा प्रदान करो आपकी सेवा करो। तब उस समय भगवान कृष्ण ने कहा देखो अति अल्पद्वीप में मैं यही नवद्वीप धाम में गौरांग रूप में प्रकट होऊंगा और तुम मेरा सेवा करो। क्या सेवा करो मेरा नाम संकीर्तन के सहायक बनो है नाम संकीर्तन की सहायक। यू हेल्प टू मी टू प्रीच द नाम संकीर्तन है नाम संकीर्तन प्रहसायक बनो। भगवान क्या चाहते हैं है शुद्ध भक्त क्या चाहते हैं ये तुम मेरा प्रचार में सहायता करो जैसे प्रचार में सहायता कर रही है रसी बनाती हैं खिलाती भी हैं और सब लोगों के साथ है कम्युनिकेशन करते हैं। हम तो कुछ नहीं करते बैठ जाते हैं हरी कथा बोलते हैं फिर अपने भजन में लुप्त हो जाते हैं। इनको क्या करना पड़ता है रसी बनाना पड़ता है लोगों के साथ बात करना पड़ता है आज में बहुत काम करना पड़ता है कि नहीं है देखो है कौन श्रेष्ठ है मैं श्रेष्ठ हूँ कि श्रेष्ठ सहायता करते कि नहीं यदि नहीं बात सत्य है सत्य कहने से गत्त है सत्य कहना पड़े ना है मैं ऐसे आ जाए तो कौन मेरा कथा सुनेगा लोगों के साथ इन लोगों के साथ क्या बोले कम्युनिकेशन करना पड़ेगा
किस घर में कब कैसे प्रोग्राम हो है, कलयुग में इतना सहज नहीं है, है? कहते हाँ महाराज आजे, फिर